आदाब नमस्कार, मैं हूं सैयद जीशान। आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। शिवसेना पार्टी छोड़ने की वजह मेरी कुछ भी नहीं है। शिवसेना के जो हमारे माजी आमदार रूपेश म्हात्रे जी एक अच्छे आमदार थे, और मैं शिवसेना छोड़ने की सबसे बड़ी ये कि मेरे माजी में रहे बहुत पुराने दोस्त रशीद अहर मोमिन को जब कांग्रेस ने निकाला था, हमने उसी टाइम पर कांग्रेस छोड़ दिया था। अब रशीद अहर मोमिन साहब जब हमारे आ गए हैं, तो हमने कांग्रेस को जितने पुराने लोग थे उन्होंने जोड़ना शुरू किया, तो हमने हमारे पूरे ग्रुप के साथ में फारूक वर्दा है, आदम खान बेरिया, ऐसे पुराने लोग के साथ में हमने रुखसाना कुरैशी मैडम के साथ में कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया। मायती अधिकार वालों की जो धांधली थी, कितने मायती अधिकार तो सब भिंडी शहर को छोड़ दिए थे, आज फिर वही मायती अधिकार वाले अपना सर उठा रहे हैं। रहते हैं खाड़ी पार में, रहते हैं धमन नाके पे, मारते हैं मायती कल्याण रोड, शांति नगर, औचित पाड़ा। तो इन लोगों ने जो एक अच्छा कानून बना हुआ है उसको गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर दहशत तारी करके उनसे कुछ भी मुतालबा करने की कोशिश करते हैं। और मैंने महानगर पालिका पंकज आसिया साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर योगेश चौहान साहब को अभी उर्दू न्यूज़ में दिया हो कि ऐसे मायती खोरों को इनकी सख्त सख्त कार्रवाई, इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मायती अधिकार वालों को क्या अधिकार बनता है रहना है धामन नाके में, रहना है खाड़ी पार में, तो कल्याण रोड, शांति नगर, औचित पाड़े की ये लोग मायती मारते क्यों? ऐसा है साहब, देखिए मैंने इससे पहले भी एक लेटर दिया हूँ पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को हमारी कमेटी की तरफ से, कि जकात नाके में जो बैरिकेड लगाई गई है इससे हमको कल्याण नाका से टन मार के आना पड़ता है, और हम लोग तो ठीक है, जो और ज़हीब लोग हैं रिक्शा में बैठते हैं उनको भी वहाँ से आना पड़ता है। मैं हमारे पंकज आशीष साहब जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और इंस्पेक्टर मायने साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुलिस इंस्पेक्टर मायने साहब, वो ब्रैकेट को जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटाए। इस पर आपने कोई पत्र वगैरह व्यवहार किया है? पत्र व्यवहार किया हूँ, और पत्र व्यवहार करने के बाद भी मेरे को एक डेढ़ दो महीना हो गया है कि इसको ब्रैकेट को हटाया जाए यहाँ से। ट्रैफिक का जो मामला बढ़ता है जकात नाके पे, एक तो बड़ी गाड़ियाँ जो है ऊपर ब्रिज से आना जाना बंद है, उसमें यहाँ लोग को किसी को कोई काम से, किसी को दवा खाना, किसी को कहीं जाना है, तो वो कल्याण नाके से आना पड़ता है, उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इंस्पेक्टर मायने साहब, आप और आपके हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, ये दोनों मिल के इसको जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटाया जाए, वरना मैं भिंडी शहर झोपड़पट्टी सेल के तरफ से एक आंदोलन करूँगा, और जब तक आंदोलन मैं जारी रखूँगा वो ब्रेकेट नहीं हटेगी जब तक का। और मैं उद्धव ठाकरे साहब से भी एक विनती करता हूँ कि लॉकडाउन जो है, अभी हमारा आने वाला रमज़ान महीना है और उसके बाद में ये 8 बजे लगता है ये लॉकडाउन को, अगर आप 8 बजे के जगह 11 बजे लगाते हैं तो और इससे अच्छा कोई काम नहीं होगा कि आप 11 के बाद लॉकडाउन लगाइए। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य आज तक। सैयद जीशान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।